फिल्म की शुरुआत एक परेशान पिता शॉन से होती है, जो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मेक्सिको जाता है। उसकी बेटी छुट्टियों के लिए अपनी दोस्त के साथ वहां गई थी, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उनकी गुमशुदगी को 3 दिन हो चुके हैं, पर अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए शॉन ने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया है। एक सुराग के आधार पर वो एक कबाड़खाने पहुंचता है। बिना इजाजत अंदर घुसकर उसे अपनी बेटी की कार मिलती है। वो कार के अंदर सुराग ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता। अगले सीन में वो पास के पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को अपनी खोज के बारे में बताता है। 2 पुलिस वाले उसके साथ आते हैं और जल्दी ही कबाड़खाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर शॉन को झटका लगता है कि उसकी बेटी की कार अब वहां नहीं है। वो बार बार कहता है कि उसने कार देखी थी और यहां तक कि नंबर प्लेट भी याद है, लेकिन एक पुलिस वाला जिसका नाम हैक्टर है, शॉन पर कहानी गढ़ने का आरोप लगाता है। शॉन को बिना इजाजत घुसने पर वहां से जाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद शॉन सीमा पार कर अपने फार्म पर वापस आता है, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होता है, परिवार की उम्मीदें टूट जाती हैं। उसकी बड़ी बेटी उससे नाराज है कि वो उसकी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। शॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला रहना चाहती है। रात में शॉन अपनी पत्नी सुसन के साथ एक भावुक बातचीत करता है। सुसन समझदारी दिखाती है और कहती है कि इसमें शॉन की कोई गलती नहीं है। जब सुसन पूछती है कि शॉन को मेक्सिको में क्या मिला, तो वो बताता है कि उसे उनकी बेटी की कार मिली थी, जिसमें न तो खून था और न ही किसी संघर्ष के निशान, जिसका मतलब है कि लड़कियों का अपहरण बिना किसी हिंसा के हुआ होगा। शॉन ये भी बताता है कि जब वो पुलिस स्टेशन गया तो कार गायब हो गई थी। उसे शक है कि पुलिस भी इसमें शामिल हो सकती है, इसलिए वो अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जाने की योजना बनाता है। अगली सुबह शॉन का दोस्त मैक्स उससे मिलने आता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों पुराने सैनिक हैं और शॉन टीम का कर्नल था। उन्हें खतरनाक मिशनों पर भेजा जाता था, जिनमें ज्यादातर अपराधियों का सफाया करना शामिल था। मैक्स अपने दोस्त शॉन की मदद करने का प्रस्ताव रखता है, ताकि वे उन अपराधियों को ढूंढ सकें जो इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार हैं। वो यहां तक कहता है कि वो उन अपराधियों को तब तक सख्ती से सजा देगा जब तक उनकी जान न चली जाए। लेकिन शॉन को लगता है कि ये जरूरी नहीं है। वो मामले को शांति से सुलझाना चाहता है। बाद में शॉन और दूसरी गुमशुदा लड़की का पिता वाणिज्य दूतावास के दफ्तर जाते हैं। वहां का अधिकारी पूरी स्थिति से वाकिफ होता है, लेकिन वो उन्हें चौंकाने वाली सलाह देता है कि वे अपनी बेटियों को भूल जाएं। वो बताता है कि इस शहर में एक खतरनाक गिरोह का राज्य है, जो उनके रास्ते में आने वालों को बेरहमी से मार डालता है। पिछले हफ्ते ही उन्होंने 37 लोगों को मार डाला जो उनके काम में दखल दे रहे थे। वो अधिकारी ये भी बताता है कि 1 साल पहले यहाँ एक ईमानदार पुलिस अफसर की तैनाती हुई थी, जिसने इस गिरोह की समस्या को हल करने की कोशिश की थी। लेकिन एक रात गिरोह के कई लोग उसके घर में घुस आए और उसके पूरे परिवार को मार डाला। तब से पूरा पुलिस स्टेशन इस गिरोह के लिए काम करता है और कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सब सुनकर दोनों पिता बेहद परेशान हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि उनकी बेटियों को क्यों निशाना बनाया गया। इस पर वाणिज्य दूतावास बताता है कि ये गिरोह मानव तस्करी में भी शामिल है। वो माफी मांगते हुए कहता है कि वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये समझकर कि कोई मदद नहीं मिलेगी, शॉन मीडिया को बुलाता है और पूरी स्थिति को लाइव टीवी पर सबके सामने रखता है। वो अपनी बेटी से धैर्य रखने की अपील करता है और उसे जल्द बचाने का वादा करता है। ये खबर दुनिया भर के लाखों लोग देखते हैं, जिनमें गिरोह का नेता विक्टर गार्जा भी शामिल है। विक्टर को शॉन के बारे में जानकारी मिलती है और पता चलता है कि शॉन पूर्व सैनिक है, जिसे अपनी बहादुरी के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं। विक्टर को डर है कि शॉन जल्द ही उन पर हमला करेगा, इसलिए वो कुछ कदम उठाने का फैसला करता है। बाद में वो उन 2 आदमियों को जबरन बुलाता है, जो अमेरिकी लड़कियों के अपहरण के जिम्मेदार थे। वे कोई और नहीं बल्कि हेक्टर और उसका साथी हैं। विक्टर उन्हें उनकी असफलता के लिए फटकार लगाता है, क्योंकि उन्होंने गलत व्यक्ति का अपहरण कर लिया था। सजा के तौर पर वो दूसरे पुलिस वाले की तुरंत हत्या का आदेश देता है। हेक्टर को फिलहाल बख्श दिया जाता है, लेकिन उसे शॉन का सिर लाने में मदद करनी होगी। फिर विक्टर अपने भाई और दाहिने हाथ कार्लोस को आदेश देता है कि वो कुछ के सैनिकों को टेक्सास भेजे। वो चाहता है कि शॉन और उसका पूरा परिवार 24 घंटों के भीतर मारा जाए। वो ये भी चेतावनी देना चाहता है कि जो भी कार्टेल के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे वह सीमा पार से ही क्यों ना हो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगले ही दिन सुबह कार्लोस के नेतृत्व में
कार्टेल के सदस्यों का एक बड़ा काफिला एक सीक्रेट टनल के जरिए अमेरिका में प्रवेश करता है। वे भारी हथियारों से लैस दिखाई देते हैं और सभी परिवार को मारने के लिए उत्सुक हैं। इसी समय हम शॉन को उसके खेत पर लोमड़ियों का शिकार करते हुए देखते हैं। जैसे ही वो निशाना लगाने की कोशिश करता है, अचानक कार्टेल की गाड़ियां उसकी तरफ आती दिखती हैं। घबराकर वो तेजी से घर के अंदर भागता है और अपनी बीवी और बेटी को ऊपर छिपने को कहता है। फिर शॉन दुश्मनों पर गोली चलाता है और कुछ को मार देता है, लेकिन जल्द ही पूरा गैंग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है तो उसे छुपना पड़ता है। दूसरी तरफ एक पुलिस वाला खाना खाने ही वाला था कि थाने से फोन आता है। उसे उस फार्म हाउस की जांच करने को कहा जाता है जहां गोलीबारी की खबर थी। घर के पास कार्टेल के लोग दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक अंदर आता है, शॉन उसे गोली मार देता है। शॉन उनके मूवमेंट का पता लगाने के लिए फर्श पर प्लेटें तोड़ देता है। जब कुछ नहीं होता तो कार्लोस अपने आदमियों को अलग अलग दिशाओं में जाने का हुक्म देता है। वो हेक्टर को ऊपर जाकर परिवार को ढूंढने को कहता है, लेकिन यह गलत फैसला साबित होता है। अलग अलग हुए लोग शॉन के लिए आसान निशाने बन जाते हैं और वो एक एक करके सबको मार देता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि उसका परिवार छिपा रहे। आखिरकार शॉन भ्रष्ट पुलिस वाले हेक्टर को पकड़ लेता है, जो कायर निकलता है। जैसे जैसे गोलीबारी बढ़ती जाती है, पूरा घर गोलियों और लाशों से भर जाता है। यहां तक कि ग्रेनेड भी फेंके जाते हैं, जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है। शॉन ऊपर जाता है और अपनी बीवी और बेटी को खिड़की से बाहर कूदने को कहता है, जबकि वो खुद किराए के गुंडों को उलझाए रखता है। आखिरकार शॉन और कार्लोस में भी गोलीबारी होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को मार नहीं पाता। इसी बीच पहला पुलिस वाला खेत के बाहर पहुंच जाता है। पहले वो इसे घरेलू हिंसा का मामला समझता है, लेकिन जब उसे एक आदमी दिखता है जिसका सिर उड़ चुका है, तो उसे एहसास होता है कि मामला गंभीर है। तभी कार्टेल के लोग उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे उसे अपनी गाड़ी के पीछे छिपना रीझता है। फिर कार्टेल का एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बहादुर पुलिस वाला उसे चौंकाते हुए सिर में गोली मार देता है। अब कार्टेल के सारे लोग पुलिस वाले पर ध्यान देने लगते हैं और कार्लोस भी उसकी मदद के लिए आ जाता है। इस बीच शॉन इस मौके का फायदा उठाता है और अपने परिवार को लेकर चुपचाप गैराज की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो अपनी बेहतरीन निशानेबाजी दिखाते हुए कुछ गुंडों को मारता है। उसी समय गिरोह पुलिस वाले को मार गिराता है और अब उनका ध्यान फिर से शॉन पर आ जाता है। लेकिन शॉन किसी तरह अपने गाड़ी तक पहुंच जाता है और अपने परिवार के साथ तेजी से भाग जाता है। इसके बाद एक खतरनाक पीछा शुरू होता है, जिसमें कार्लोस और उसके आदमी पीछे से गोलियां चलाते हैं। शॉन कुशलता से सभी गोलियों से बचता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी पत्नी और बेटी सुरक्षित रहें। जब उसे एहसास होता है कि उसकी गाड़ी जल्द ही फट सकती है, तो वो एक प्लान बनाता है। वो तेजी से गाड़ी चलाकर सड़क किनारे गाड़ी रोक देता है। जब गुंडे वहां पहुंचते हैं तो शॉन बहुत सटीकता से उन पर गोली चलाता है। वो कुछ गुंडों को तुरंत मार देता है, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है। इससे उनकी गाड़ी रुक जाती है और अब कार्लोस निहत्था हो जाता है। घायल होकर जमीन पर पड़ा कार्लोस शॉन को धमकी देने की कोशिश करता है कि उसे इसका पछतावा होगा, लेकिन जब शॉन उसके पैरों में दो गोलियां मारता है तो वो अपने भाई और अगवा की गई लड़कियों का ठिकाना बता देता है। इसके बाद शॉन कार्लोस को सिर में गोली मारकर उसकी कहानी खत्म कर देता है। इस घटना के बाद शॉन को अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगती है, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटी को कुछ समय के लिए एक सुरक्षित जगह भेज देता है। फिर वो अपने सबसे अच्छे दोस्त मैक्स से कॉन्टैक्ट करता है और उसकी पहले दी गई मदद की पेशकश स्वीकार कर लेता है। मैक्स तुरंत वहां पहुंचता है और ऐसा लगता है कि उसे इस तरह के मिशनों का रोमांच याद आ रहा है। शॉन जो चीजों को शांति से सुलझाने की कोशिश करने वाला है, वही मैक्स एक क्रूर हत्यारा है जिसे लोगों को टॉर्चर करने में मजा आता है। हालांकि ये जानते हुए कि वे मैक्सिको के सबसे बड़े अपराध सिंडिकेट हैं, मैक्स और शाइनन दोनों हथियारों और अन्य मशीनरी का जखीरा लाए हैं। उन्होंने विक्टर के ठिकाने और उन गोदामों का भी पता लगा लिया है जहां वो अगवा की गई लड़कियों को रखता है। अगले सीन में दोनों दोस्त सीमा पार करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। वे दूर से देखते हैं कि विक्टर अपने भाई का ठिकाना जानने के लिए बेचैन है। उसे अभी तक ये नहीं पता कि कार्लोस न सिर्फ मारा जा चुका है, बल्कि उसने सब कुछ उगल दिया है। फिर बिना समय गंवाए दोनों पूर्व सैनिक अपने हथियार उठाते हैं और हवेली में घुस जाते हैं। अपने बेहतरीन युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए वे एक एक करके गार्डों को मार गिराते हैं। विक्टर अपने कमरे से गोलियों की आवाज सुनकर डर जाता है। उसे समझ आ जाता है
कि आखिरकार अमेरिकी उसे मारने आ गए हैं और अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ मैक्स और शॉन लगातार हमला करते रहते हैं। वे इतने ताकतवर नजर आते हैं कि कोई भी गुंडा उनका सामना नहीं कर पाता। यहां तक कि सिक्योरिटी हेड, जो एक बड़ा ताकतवर आदमी है, उसे भी मामूली तरीके से मार गिराया जाता है। आखिर में दोनों विक्टर के छिपने वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं। पहले तो विक्टर अकद्दीएच दिखाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि उसके आदमी आ रहे हैं, लेकिन शॉन को गुस्सा आ जाता है और अपनी बेटी का ठिकाना पूछते हुए वो उसे बुरी तरह पीटता है। जब विक्टर से और सहन नहीं होता तो वो उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है जहां अगुआ की गई लड़कियों को रखा गया है। फिर तीनों एक गाड़ी में बैठते हैं और जल्दी ही उस गोदाम तक पहुंचते हैं जहां लड़कियों को रखा गया था। एक बार फिर मैक्स और शॉन को वहां के गार्डों को मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं होती। फिर शायन आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ ही लेता है और दोनों भावुक होते हैं। उसकी दोस्त भी वहीं होती है, जिंदा और सुरक्षित। इससे पहले कि बाकी गुंडे आ पाते, शॉन जल्दी से सभी लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन शरारती मैक्स अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया था और उसे पूरा करने पर अड़ा है। फिर वो अपनी छुरी निकालता है और खून से लथपथ विक्टर को टॉर्चर करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अगली सुबह मैक्स एक पब्लिक बिल्डिंग के पास पहुंचता है और विक्टर का कटा हुआ सिर वहां रख देता है। वो अपने किए हुए काम से अब पूरी तरह संतुष्ट दिखता है। दूसरी ओर शॉन और उसका परिवार आखिरकार फिर से एकजुट होकर फॉर्म पर लौट आते हैं। इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए शॉन अपनी दाढ़ी और मूंछें शेव करने का फैसला करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।